आए हुए थे यासर साहब या बात, तो कुछ लोगों से बात हुई तो मैंने बेहतर समझा मैं खुद आ जाऊँ मौके पर। वन बाय वन सबको मौका मिलेगा जिन्होंने बात की, तो काइंडली पहले आप ही शुरू कर दें जो कम्प्लेंट आप जी। सर ये कुछ कम्प्लेंट पिछले तकरीबन एक माह और दस दिन हुए, आप थोड़ा सा सर्च कर। चोरी की है और छोटी मोटी चोरी है, बकरी की है और इस तरह की। जी जी। क्राइम का इशू है, आपका इशू क्या है? सर हम सारे एक ही इलाके से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हमारे ज्वाइंट गाँव में सारे, ठीक है, एक ही भाषी लोग हैं, सब मजदूर तबका है, ठीक है, सबका आना जाना देहात है, देहात आप समझते कैसे होते हैं? तो ये क्राइम ये इस डेढ़ महीने से नहीं हुए हैं, ये तकरीबन तीन चार साल से ये ग्रो है, एक जो हमारे इलाके में बदनज़मी फैली है, इन्होंने भाई गैंग रेप्स होते हैं, कुछ ऐसे मजलूम लोग हैं जो तो बात भी नहीं करते हैं ना, ठीक है, हमारे इलाके में शाम के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, जो बंदा उनका नाम लेता है वो उसका टारगेट हो जाता है, जिसमें मेरी भी एक कंप्लेंट है दर्ज है, तकरीबन हफ्ता पहले मेरी गाड़ी की तोड़ फोड़ हुई है, ठीक है, मुझे जान से मारने की कंप्लेंट नहीं है। इस तरह के कई वाकयात ऐसे हैं जो हम बता भी नहीं सकते आपके सामने, हम कर कार्ड मौजूद है। लेकिन देखो कलर सुविधा तो बड़ा पूरा मन इसी हिसाब से मन है कि मैं हम लोग इलेक्शन में आए हैं, उस टाइम पे तो कोई ऐसी वकुआ भी नहीं हुआ, एक भी ऐसी चीज भी नहीं आता कि इतना बड़ा एक्टिविटी थी, सारा कुछ कश्मीर इलेक्शन में साल हो गया पिंडी में, और मैंने मुझे भी याद कलर से जब मैं कोई इस तरह की ये जो अभी हो रहा है क्या खास क्या वजह यही क्राइम के ये सिर्फ सर इश्तियारी लोग हो रहे हैं, बढ़ गया है कि मैं बकरा नहीं लिया, उसने अब ग्रुप बना दिया क्योंकि बेसिक मेरी यूनियन काउंसिल है बलाकर, तो आप वहाँ पे आई के हमारे इलाके में लोगों का देखे जुल्म और ज्यादती, एक बंदा जिंदा करने गया है वहाँ जिनके में इसको गोली मार दी, वो नामजद है, वो आदमी शादी के साथ चला गया है वहाँ जिनके में इसको गोली मार दी, वो नामजद है, वो आदमी शादी के साथ चला गया है, वो वैदी के पास अभी उसकी पनाह में है। सर उनके घर है, आप लोग कैमरे लगा के बैठे हमारे प्रॉपर हमारी गुजारिश है, हम किसी को ये भी नहीं कहते कि वो है, देखिए आपका फर्ज है हमें तपस्या, ठीक है, वैद्य है कोई है, हमें किसी से गर्ज नहीं है, हमें अपनी जान माल का तपस्या चाहिए, ठीक है, हमने प्ले कार्ड वगैरह बनाए हुए थे, हम सीपीओ ऑफिस तक आ जाना चाहते थे, ये हमारी इब्तदा है, ठीक है, पाशा साहब ने हमें रहनमाई दी है कि चले यहाँ से ही शुरू करते हैं, और हम नहीं चाहते, हमारा बेसिकली किसी से कोई क्लैश नहीं है, हम मोहतरम में SHO साहब हम चाहते हैं ये काम करें हमारा, ठीक है। 324 वाली ये FIR है, ये किस डेट को हुई है, पहली कब हुआ है, एक आज कितने दिन हो, 15-12 आईओ कौन है जी, हेड मोरल साहब मैंने कहा था आईओ को बंद रखना, कौन है आईओ, सस्पेंड करो रपट पर स्पेशल यार, वो ठीक है ना, मेरे पास जज के घर जा पावे मैं ठीक हूँ, 15 दिन हो गए ने ना, ठीक किता दसो, वही ना दो छुरी लगा कर दसो ना, एंडी ना इसको इसकी रपट डाले, सस्पेंड करें इसको, क्लोज टू लाइन करो, सस्पेंशन की डालो, और मुझे भिजवा दो बाहू को मैस्टी का, उसके अलावा इन्हों का जनाब दी ना स्पेशल रिपोर्ट बनाओ, कि पीए कौन है, एंडी स्पेशल रिपोर्ट सीपीओ साहब लड़ाई में करप्ट है, गंदा आदमी है, काम नहीं करता, कोई ट्रस्ट नहीं है, और जुगली की आवाज है, करप्शन के चार्ज भी लगे हैं, सीपीओ साहब को भेजो स्पेशल रिपोर्ट, ठीक है, याद बना के मुझे साइन करवा देना, व्हाट्सएप भेजूंगा मैं आपको, ये खुद पीए भेजेगा मेरी साइन की हुई, वो आपने इनको शेयर कर देंगे, ठीक हो गया। सर 14 दिन का ये हुआ है, एक हफ्ते पहले मेरे घर के पास बिल्कुल एक शेड है ना पोल्ट्री फार्म,
ठीक है ये भाई उधर मैंने डकैती से पहले भी उन लोगों को देखा है, ये जो नाम मैंने नॉमिनेट किया डकैती से पहले भी देखा है। दूसरे दिन फिर उसी टाइम वो लोग वहाँ थे, उनके पास एक टोटा आया इसी, उसको मैंने मना किया इस टाइम आपका इधर खड़ा होने का क्या मतलब है। उन्होंने एक घंटे बाद मैं हॉस्पिटल जा रहा था, मेरी गाड़ी रोकी है, मेरी गाड़ी की तोड़ फोड़ की है, मुझे जान से मारा। आईओ कौन है? की तकलीफ है भाई? आईओ साहब 9 तारीख तो है, 4-5 दिन हो गए ना, 394 लाई है तुसी सर जियो फंसी के लिए? नहीं यार वो तो कह रहे हैं नामजद ने, नामजद नहीं सर, ना मालूम ना मालूम। नहीं नहीं, जिन बंदों को आपने पहचाना है जी जी, जानते हैं जो मौजूद थे, जिन पे आपको शक है जी जी, उनको इन्होंने अरेस्ट किया है? नहीं यार नामजद कर लेने, एक मिनट ठहर ना, वो हाजी ने तेरे को ना है ने उन्होंने चाचू, ठहर ना, वो हाजी ने तेरे को ना है ने उन्होंने चाचू, मदाई को ना लै जे क्यों, मेनू तो देने तैयार है ना, तुसी नहीं लेंदे ना, लो उन्होंने बुलाओ, तफ्तीश करो, उन्होंने सेटिस्फेक्शन करो, वो नहीं है तो नहीं है, अगर उनका रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल है ने तो फिर चार्ज करो किवें डीएसपी साहब। लेकिन आयु साहब कहते हैं उन्होंने पता ही कोई नहीं, आयु साहब लगता किसी होर काम में बिजी होते हो, मैंने आपस की गल है इतने की काम होता है दसो की करते हो सारा दिन, आप मुझे बताओ आपके पास कितने केस है इमरान? 5-7 केस ने, की करते हो सारा दिन टाली तले बह के बस गप्पा? यहाँ से निकलने से पहले उनके कई मुखबर हैं, यहाँ से निकाल लीजिए। चलो मुखबर भी होने यार, बंदे फड़े भी जाते हैं मुखबर, वही मुखबर बंदे पढ़वा भी देते। चार दिन बाद दूसरे शहर में करंट की नियत, चार दिन बाद दूसरे शहर में इनका मुलाजम था ठीक है, उसको छुरियां लगी हैं, अभी वो एमरजेंसी यहां पे स्पेशल आ रहा है जी, दूसरा फार्म में नजदीक ही है, नजदीक में यही सर यही है यार। देखो अगर वादी कर रहा है तो फिर तो आप सारे इधर पहले एप्लीकेशन ही नहीं एंटर ही नहीं की थी, लोग डर सुल्तान साहब को ना, इनके एडिशनल साहब आप थाना चलाएं, जो भी एडिशनल है एसएचओ साहब बम्मा 3-4 अच्छे अपर सबऑर्डिनेट थे 8 सिपाही लाए के ना, इनको जाओ उठे शिफ्ट हो जाए सर, हमें प्रॉपर चौकी चाहिए वही ना, जैसे लाल वाले ना, हमारे बच्चे और हमारी औरतें घर से नहीं निकल सकती, स्कूल में बच्चे जाते हैं, आप बच्चों को कैसे भेजें स्कूल, हमें आप बताएं ना। चौकी वाली जो बात है ना आपकी वो रीजनेबल लग रही है, लेकिन वो मेरे बस में अभी नहीं है, मैं नोट कर लेता हूँ, वो मैं ऊपर बता देता हूँ। मोबाइल गश तो जा सकती है ना सर? नहीं नहीं वो भी नहीं जाते, इंशाल्लाह हम लोग किस टाइम सर यार, एक एक बंदा प्लीज बात करें, हर बंदे को मौका मिलेगा, एक एक बंदा बात करें। गोली लगी भाई आप वहाँ लगाते हैं, उनको बुलाया सर, जिनके होते हुए टिकटियाँ नुमान नुमान जो है आगे आओ, आगे आओ भाई, चार्ज शीट करो करप्शन पे, क्राइम पे, करप्ट है मिले हुए, क्या करते हो भाई आप लोग, ये ड्यूटी देते हो, क्राइम क्यों हो रहा है? अगर चार ड्यूटी भी लगती है, चार कॉन्स्टेबल्स की, खुद एसएचओ साहब बता रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं है, कब से पोस्टेड है आप इधर कलर से? इधर 4 माह आप कितना अरसा हो गया? 7 माह कितना? 7 माह हाँ, तो ये रिजल्ट है 7 माह में, 7 माह में तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए यार, 20 दिन में 5 बाकी हो गए, 7 माह से बहुत बड़ी शायद पंजाब पुलिस की बात कर रहे हैं हम, कोई सिंध में तो नहीं बैठे, कच्चे में तो नहीं बैठे यार, रावलपिंडी की बात कर रहे हैं, अरे कच्चे का इलाका बना हुआ है, ये पंजाब की बात हो रही है, ये कोई मैं कश्मीर की नौकरी नहीं कर रहा, जाकाबाद की, मैं उधर इस तरह की बातें करूँ यार, ये कोई लालच नहीं थोड़ी है, आप सब काबिल अफसरान है, इनकी भी चारों की ना स्पेशल रिपोर्ट तो सीख लो, चारों की इधर पोस्टेड है, कई महीने हो गए ठीक है, कहाँ पोस्टेड है नहीं उधर कितने चेंज करें, ड्यूटी नहीं दे रहे हैं ठीक है, चार शराब उतर सरेआम एक ग्रुप बेचना, इन्होंने 1213 करिंदे मैं सचो साहब ना शेयर करता हूँ उन्होंने, इधर ना हमारी कोई क्लैश नहीं ठीक है जी, एक मजबूत बंदा गैर की मत चार अलहमदुल्ला जड़ी गल करसा अल्लाह और उस रसूल के याद रखी जाए, किसी आप नजायज बंदे नहीं, वो शराब भी बेचने 14-15 साल बच्चे ना गैंग रेस्ट करने, उतियां करने लोग डर नहीं, तेरा इतना होना ही कुछ नहीं, और दुश्मनी पैसी ठीक है जी, इन्हें रोजिया मिट्टी थ्रट किया, मैं इन्होंने घर चला गया नरवाजी गैंग ने, मैंने दसिया उसने क्यों कि समझा मारे को बत्ता मंगने से, और बेशुमार लोगों को बत्ता किन्ने पे जड़े डर नाली सैनिक ठीक है जी,
बाकी साहब मैं मीटिंग कर दसा 1214 बंद ने ना वो बंद चाह पूरा इलाका अगर अमन ही ना अच्छा मिकी पगड़ी जुतियां मारो ठीक है जी। मैं खुद बहुत बदनाम हूँ पिंडी में फिर बड़ा गंदा अफसर है बदतमीजी करता है आई आई डोंट माइंड है मैं सिर्फ चला जा सर कोई मसला नहीं सर मैं कितने और कर ला सर लेकिन इस तरह की नौकरी मैं आदि नहीं हूँ मैं आप लोगों से ब्लैकमेल नहीं होगा बेशक कोई मुझे कुछ कहता रहे जब इनको तकलीफ है तो मुझे 24 घंटे मैं तो अमेरिका से नहीं आया न्यूयॉर्क से नहीं आया जो दुख जब पुलिस वाला करता है ना खासतौर पर जब कॉन्स्टेबल करता है ना तो वो आई कैन फील है मैं कोई अमेरिका तो नहीं आया ना कोई मैं किसी वडेरे की औलाद हूँ हमने गली मोहल्लों में सारा अगर ऐसे तो रिपोर्ट ही कोई देगा तो आप नहीं लो कि व्हाट्स गोइंग ऑन कि हमें एवरीबॉडी नीड टू कम टू सी हिम बताए इनको कि ये प्रॉब्लम है तो ये कुछ करें तो एवरीबॉडी नीड टू कम टू सी हिम बताए इनको कि ये प्रॉब्लम है तो ये कुछ करें तो मैं जब से यहाँ आई हूँ इससे मैं अब लॉन्ग बताया तो क्या किया नहीं इनको बताया तो क्या किया साइड की बात नहीं है सुल्तान की रेपुटेशन अच्छी है जस्ट गिव हिम सम टाइम आप थोड़ा सा इनसे रब्ता करें आप जैसे कह रहे हैं आप मिले इनको करने दे काम 15 दिन देखे अगर नहीं आपको रिजल्ट नजर आता फिर ठीक है जैसे जंगल है सारी फायरिंग चलो वो तो सर्च ऑपरेशन और उस वाले से बड़े लेवल की बात है वो आपके एसपी साहब आज है मीन वाली है आप उधर चौकी लगाएं जी आज से इंशाल्लाह आज से प्रॉपर लगाएं मुझे पिक्चर दे देंगे आप खुद उधर करेंगे और मेरी जगह का आईडिया है वो काफी दूर है यहां से बस ये इलाके के आदमी पूरी हेल्प करेंगे आप उधर हैं प्रॉपर नाका या टाइप पहले इलाका भी हेल्प करते ठीक हो गया ना लेकिन फिर असले की कमी नहीं होनी चाहिए जितना मंगते हैं जो हिसाब भी लेना था मैंने पिक्चर भी भेजनी है ऐसे जब तुम खुद जा अगर स्पेसिफिकली कोई जिला शिकवा है उनके वास्ते पूरा सिस्टम बड़ा है कि डीएसपी है बोर्ड है सर जिला शिकवा है ना कि इन्होंने शायद चोरी हुई खेती हुई 2-2.5 लाख इन्हें कंप्लेन की उसका टैग नहीं लगा कंप्लेन ना कोलों सारे तफ्तीश के फिरन लै आए उन्हें ना टैग लगाया ना कुछ हज रद्दी तू मिलनी थी ठीक है जी किधर गए हो महबूब साहब सामने चलते ये देखो रस्ता दियो जी रस्ता दियो नहीं मैं इतला करनी है ना शिकायत है मैंने इतला कर दो आज तुसी सच्ची हो जांदे भी असी इतला की थी साडा काम नहीं हो दोबारा थ्रेट किया मेरा भतीजा गड्डी लैके आ रहा सी पीछा किया रपट लिखी है ये अच्छा काम कर रहे हैं सर थोड़ा सा हमें ये चाहिए कि हम जो आवाम है मैं स्पेशली क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं अपने भाइयों को अपने बुजुर्गों को ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे बेटे हमारे जवान मंशात में इन्वॉल्व है हमारे जवान जो है वो हमें चाहिए हम क्या करते हैं कहीं पे डकैती होती है हम मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं गवाही देने के लिए भी तैयार नहीं होते पुलिस के साथ हमें पूरा एपिशिएट टाउन करना पड़ेगा
और पुलिस हमारी अच्छा काम कर रही है, हमें फख्र है इस पुलिस पे, ये नहीं। लेकिन लेकिन हमारे जो इलाके के लोग हैं, हमें चाहिए अपने गांव अपने महलों का खुद आमता फर्ज करें, हमें खुद भी करना पड़ेगा और इंतजामिया से तावन भी मांगना पड़ेगा इंशाल्लाह। ये जुराम साहब मसला है ना, ये एक मामला है। हम लोग यहाँ पे एक ब्रिज बना रहे हैं सर, तकरीबन ये 35 है तो जो कश्मीर को बिलोंग करेगा ना, वहाँ पे हमने डीएसपी साहब से, ये भी मोहतरम है एसएचओ साहब ने भी जो है ना हमने बताया है, हमें वहाँ पे एक पिक चाहिए क्योंकि जो ट्रैवल करेंगे लोग कश्मीर पे, वहाँ भी थोड़ा वायलेशन हो सकता है। इंशाल्लाह हम लोग भी पूरा तावन करेंगे। अच्छा, ये जो पिकेट्स की जितनी डिमांड है ना, इसका तरीकाकार ये होता है कि आप जो ये वाली पिकेट कह रहे हैं या ये जो वादी वाली है, सर मेरी एक डकैती हुई थी यहाँ पे 3 महीने पहले, पुलिस ने बहुत मुअसर कार्रवाई की है और मैंने खुद भी वहाँ मैंने कार्रवाई की है, लेकिन यहाँ गांव के और यहाँ कल्लर सईदा शहर में मैंने देखा है कि वो लोग जो है ना वो चोरों को छड़वा रहे थे, वो हम में से हैं, हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ये थोड़े से लोग हैं, हम लोग को मिलजुल के जब दो डकैत मैंने पकड़े हुए हैं, सब ने मेरे साथ तावन करना है, ना कि मुझसे छड़वाने की कोशिश करनी है। वहाँ पे पुलिस भी बेबस हो जाती है, थोड़ा सा हमें इस चीज पे ख्याल करना पड़ेगा।